पहले चिखली में रोड पानी और दूसरी सुविधाएं कम थी। पहला शौचालय नहीं हतू। पहले कस्बा चिखली कस्बा ने कोई ओळखतु नहीं हतू। अमारा मुल्ला में बहु खराब परिस्थिति थी। देश निर्माण में देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती देना आवश्यक है और देश को मजबूत बनाने में शुरुआत होती है ग्रामीण भारत से। और आज आदर्श ग्राम के सपने को सच कर रही है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये है गुजरात राज्य का नवसारी जिले का चिखली ग्राम पंचायत, जिसने आदर्श ग्राम बनकर विकास के नए आयाम तय किए हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद माननीय श्री सी आर पाटिल ने ग्राम पंचायत चिखली को चुनकर उसके विकास के लिए कार्य करना आरंभ किया। जो आदर्श गांव के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई थी उसके अंदर करीब 35 प्रकार के काम की बात थी और उसके अंदर जो प्राथमिकता थी वो पानी, रोड, लाइट, गटर जो स्वाभाविक रूप से है उसके ऊपर थी। आज स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल और सड़कों जैसी बुनियादी सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाया गया है। चिखली में घुसते ही आपको नजर आएंगे सीसीटीवी कैमरे। लोगों को बाहर निकलने में कितनी परेशानियां होती थी, डर लगता था। आज सीसीटीवी कैमरा आ गया है तो वो घूम फिर सकते हैं, आज अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। चिखली के बीचों बीच पहुंचने में आपकी मदद करेंगी ये पक्की चमकती हुई सड़कें। ये खूबसूरत रंग बिरंगी सड़कें चिखली ग्राम पंचायत की शोभा बढ़ा रही हैं। आदर्श ग्राम के सपने को सच करने के लिए पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत को घर घर तक पहुंचाकर पूरा किया गया है और इस समस्या का समाधान किया है चिखली के पश्चिम में बनाई गई इस पानी की टंकी के माध्यम से। अब चिखली ना रास्ता बनी गया, प्लस पानी व्यवस्था थे, शौचालय बनी गया, रास्ता नहीं थे गए। पहले बैग गाड़ी टू व्हीलर भी आती नहीं थी, अब 108 भी आ सके अने घर घर पानी की सुविधा करी आपी। गांव के बीचों बीच एक नए आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है जहां इन नन्हे मुन्नों के भविष्य को एक बेहतर दिशा देने का प्रयास जारी है। चिखली में आंगनवाड़ी नी सुविधा नहीं होती, अवे पछी आंगनवाड़ी बनी गई छे अने बाळको भी जई सके छे। चिखली ग्राम पंचायत भवन में ही एक बेहतरीन लाइब्रेरी की स्थापना की गई है जिसमें बेहतरीन किताबें तो मौजूद हैं ही, साथ ही ग्रामवासी हर रोज कई अखबारों के माध्यम से देश और दुनिया की खबरों से रूबरू होते हैं। ये है गांव के एक सिरे पर स्थित कावेरी नदी जो गांव को छू कर गुजरती है, लेकिन कुछ समय पहले तक नदी का किनारा काफी बुरी हालत में था। रिवर फ्रंट एक बहुत अच्छा किनारा, लंबा, गांव के साथ जुड़ा हुआ था और बहुत गंदगी वहाँ थी। जब रिवर फ्रंट के ऊपर हमने काम करना शुरू किया, पहले तो उसको सफाई किया तो वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए, बेंचेस लगा दिए, तो वहाँ लोग रोज़ वहाँ 200-250 लोग गांव से या अगल बगल से भी रोज़ आके बैठने लगे, तो एक बहुत अच्छा माहौल, बैठने की जगह उनको हो गई। साथ ही सड़कों के किनारों पर सोलर लाइट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिससे गाँव का नज़ारा देखते ही बनता है। न सिर्फ सड़कों बल्कि घरों में भी बिजली की सुविधा मुहैया कराई गई, जिससे सबसे बड़ा फायदा विद्यार्थियों को हुआ है जो आज बेहतर रोशनी में पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। बच्चों के समग्र विकास के लिए स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवाओं की सुविधा भी मुहैया कराई गई। जो लोग वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन के हकदार हैं उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से पेंशन की सुविधा मुहैया कराई गई, जिससे वृद्धों और विधवाओं को आर्थिक मजबूती मिली है। इसमें अच्छी बात यह है कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिजली, पानी, सड़क के साथ
सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दिया गया, स्कूल पे, पढ़ाई पे, हेल्थ सुविधा पे, लोगों की आजीविका पे और पर्यटन पे। इसके बाद आज चिखली आपके सामने है, आप देख सकते हो कि पिछले 2 साल में वहाँ काफ़ी बदलाव आया है। आज चिखली ग्राम पंचायत में हर सुविधा मौजूद है और चिखली वासियों में जागरूकता, भाईचारे और जिम्मेदारी की भावना पैदा हुई। स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए घर घर पक्के शौचालयों का निर्माण किया गया है और साथ ही ग्राम पंचायत चिखली में कचरा उठाने के लिए भी एक गाड़ी की व्यवस्था की गई है जो गांव के कचरे को उठाकर बाहर ले जाती है। चिखली में ड्रेनेज सिस्टम भी कार्यरत है और उसमें भी सुएस ट्रीटमेंट प्लांट भी हो चुका है और चिखली की जनता वो सब यूज कर रही है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्य को पूरा कर आज चिखली ग्राम पंचायत भारत के मानचित्र पर चमक रही है और आज हर चिखली निवासी को सम्मान से जीवन जीने का अवसर मिला है। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट ये 2 बात के अंदर आता है कि कुपोषित बच्चा नहीं है, महिला की मृत्यु नहीं हुई या बच्चे की मृत्यु नहीं हुई। जिस ट्राइबल बेल्ट में इतना अच्छा काम सबके सहयोग से और सांसद के मार्गदर्शन में हो पाया। अब हमारा गांव एक स्मार्ट विलेज बनने जा रहा है और उसका भी हमें एक अवार्ड मिलने वाला है। घनी सरस सुविधा आपी और बधाने सुख शांति आम गाम में थी गई है।